हम दोनों को झूठ के जाल में फंसाया क्या? लेकिन पायल इतना गिर कैसे सकती है? कृष ने लगाया पायल को गले। कृष और पायल के बीच नहीं आएगा बिंदिया का मुखौटा। कलर्स टीवी के शो सुहागन के अपकमिंग एपिसोड में हमें ये देखने मिलेगा, जैसा कि कृष के बर्थडे पार्टी से कृष ही गायब होता है, जिसके चलते कृष का पूरा परिवार काफी ज्यादा परेशान होता है। और ऐसे में कृष के परिवार वाले इस फैसले पर आ पहुंचते हैं कि उन्हें बिंदिया के खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर ही लेनी चाहिए। लेकिन एन वक्त पर कृष घर वापस लौट आता है, जहां पर कृष सबसे पहले पायल के पास जाता है। यहाँ पर पायल और साक्षी दोनों ही काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं और इस सोच में होते हैं कि कहीं बिंदिया और कृष की आपस में बातचीत तो नहीं हो गई और पायल का पर्दाफाश तो नहीं हो गया। लेकिन ऐसे में कृष पायल के गले लग जाता है, जहाँ पर कृष पायल के लिए अपने प्यार को बयां करता हुआ भी नजर आ रहा है। ऐसे में पायल के भी होश उड़ जाते हैं अपने प्रति कृष का इतना ज्यादा प्यार देखकर, जहाँ पर कृष का ये कहना होता है कि अब पायल और कृष के प्यार के बीच बिंदिया कभी भी नहीं आ सकती है और बिंदिया का मुखौटा हमेशा के लिए कृष और पायल के बीच से दूर जा चुका है। जहां पर कृष के मुंह से ऐसी बातें सुनकर साक्षी और पायल दोनों ही बुरी तरीके से शॉक्ड हो जाते हैं। वेल, ऐसे में देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि क्या कृष और बिंदिया एक साथ मिलकर कर पाएंगे पायल को एक्सपोज, तो क्या होने वाला है आगे जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।